हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सबको ये बहुत 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 खुश हो। मैं हूँ सुजाता, अब सबके सामने आई हूँ एक नया एंड फ्रेश रेसिपी के साथ। आज मैं बनाई हूँ रूहू फिश करी, मतलब रुई माछ की झोल। तो आइए मेरे साथ किचन रूम में रुई माछेर झोल की रेसिपी सीखने के लिए। माछेर झोल बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है रूहू फिश। मैंने इधर 6 पीस रूहू फिश ली हूँ। अब मैं इसको नमक और हल्दी से मैरिनेट करूंगी। थोड़ी सी नमक डाल दी और थोड़ी सी हल्दी डाल दी। सारे फिश को अच्छे से मैरिनेटेड करूंगी ताकि सारे फिश में अच्छे से नमक और हल्दी लग जाए। लाल मिर्च पाउडर भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं दे रही हूँ। मैंने खाली नमक और हल्दी ही देके मैरिनेट करके रखी हूँ। ये माछेर झोल मेनली बंगाली स्टाइल है। ये रेसिपी बनाने के लिए कुछ हम सब्जी लिए हैं, कॉलीफ्लावर और पोटैटो और टमाटर। पहले मैं कॉलीफ्लावर और पोटैटो को पानी में थोड़ा सा हल्दी देकर बॉइल कर लूँगी। मैंने इसको हल्दी देकर इसलिए बॉईल कर रही हूँ क्योंकि ये ऑफ टाइम का कॉलीफ्लावर है, इसमें कीड़ा भी रह सकता है। अगर कोई कीड़ा उड़ा रहे तो हल्दी से ये निकल जाएंगे। तो ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, एक उबाल तक ही इसको बॉईल करना है। अब मैं एक मसाला प्रिपेयर करूँगी, जिंजर और ग्रीन चिली का पेस्ट 2 चम्मच मैं ली हूँ, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। मैं थोड़ी सी पानी डालूंगी, मसाला का एक स्मूथ पेस्ट बना लूंगी। मैं पैन में 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल ली हूँ। तेल हमारे गरम हो चुके हैं, अब मैं फिश को एक एक करके डाल दूंगी। फिश को थोड़ा सा लाल करके फ्राई कर देना। दोनों तरफ मैं अच्छी करके फिश को फ्राई कर लूंगी, देखिए लाल लाल करके मैं फ्राई कर लूंगी। फिश हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम एक एक करके उठा लेंगे। देखिए फिश को ऐसे करके आप लोग फ्राई कीजिए, ज़्यादा लाल भी नहीं होना, ज़्यादा कच्चा कच्चा भी नहीं रहे। इसको ऐसे लाइट करके फिश को फ्राई कर लीजिए। अब मैं सेम ऑयल में कॉलीफ्लावर और आलू फ्राई कर कॉलीफ्लावर और आलू भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको उतार लूंगी। देखिए ऐसे करके कॉलीफ्लावर और आलू को फ्राई कर लूंगी। अब मैं पैन में और 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूंगी, पैन में जीरा दूंगी, 2 लाल मिर्च और 2 तेजपत्ता। 2 मिनट तक फ्राई करूंगी। जो मसाला मैंने पेस्ट करके रखे तो मसाला मैं दे दूंगी। कटोरी को धो के फिर से पानी दे दूंगी ताकि मसाला ना जल जाए। गैस मीडियम फ्लेम में है,
धीरे धीरे मसाला को मैं फ्राई करूंगी जब तक ना ऑयल निकल के आए। एक मीडियम साइज की टोमेटो मैंने काट करके रखी थी, वो टोमेटो मैंने डाल दूंगी। अब टोमेटो नरम होने तक मैं मसाला को फ्राई करूंगी। मसाला हमारे अच्छे से फ्राई हो गए। अब मैं जो कॉलीफ्लावर आलू फ्राई कर रखी थी वो मैं डाल दूंगी। कॉलीफ्लावर आलू को मसाला के साथ अच्छी तरह से मैं फ्राई कर दूंगी। सब्जी हमारे बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, देखिए। अब मैं गैस का फ्लेम थोड़ी सी बढ़ा दूंगी। मैं डाल दूंगी इस पे झोल बनाने के लिए। हमारी झोल में मतलब ग्रेवी में बॉयल आ चुके हैं। अब मैं एक एक करके फिश डाल दूंगी। अब मैं गैस का फ्लेम लो में करूंगी और गैस को ढक दूंगी ताकि आलू गोभी और फिश में अच्छी तरह बॉयल हो जाए। अब मैं स्वाद अनुसार सॉल्ट दे दूंगी। हमारी फिश करी लगभग हो चुके हैं, आलू भी इसकी बॉईल हो गए हैं अच्छी तरह से, कॉलीफ्लावर भी बॉईल हो गई है। अब मैं गैस को थोड़ी सी बढ़ा दूंगी। वन टीस्पून घी ऐड करूंगी। गरम मसाला हाफ टी स्पून। मैं पैन को ढक दूंगी और गैस को ऑफ कर दूंगी। हमारे माछेर झोल रेडी हो चुकी है। देखिए हमारी फिश करी रेडी हो चुकी है, कितना कलरफुल बना है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। आप लोग जरूर इसको घर में ट्राई करिए। चलिए मैं अब इसको प्लेटिंग करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर दे देना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहना। फिर मिलते और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।